चलो, और तुम लोग, तुम्हारी क्लास का वीडियो वायरल हो रहा है? तुम्हारी क्लास का है क्या? एक जो किसका, इकोनॉमिक्स के सर का फेयरवेल है ना, इंग्लिश वाले सर का? नहीं, कल क्या कर रहे थे तुम लोग? कल क्या था ऐसा? लास्ट क्लास थी कल तो? तुम क्या आरएस बन गए थे? क्यों नाच रहे थे? क्या हो क्या रहा था? क्लास ही तो खत्म हुई थी। ऐसी क्या उपलब्धि प्राप्त कर ली तुमने जो इतना हंगामा कर रहे थे? सारी पूरे बिल्डिंग को डिस्टर्ब कर रखा था। नीचे वाले कर रहे थे, और तुम्हारी क्लास में सिर्फ डांस ही हुआ था, और नीचे वाले क्या कर रहे थे? सूचना मिली? अच्छा, वो दिलीप सर की क्लास थी तो तुम लोग क्यों फेयरवेल मना रहे थे? कल लास्ट क्लास थी क्या सर की? तुम्हारी थोड़ी थी है? तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक वो कौन सी क्लास का वीडियो वायरल हुआ जिसमें चुन्नी पहन के नाच रहे? चलो अब जो भी है, हाँ अब एक बात ध्यान से सुन लो, थोड़ा समझदार बनो, मैच्योर बनो। ये चीजें यूं ही चलती रहेंगी। आप लोगों को अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचना है। आप किस पर्पस से आए हो, कर क्या रहे हो, आगे क्या करना है? ऐसे सब्जेक्ट्स तो रोज आए दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट खत्म होगा, दूसरा सब्जेक्ट चालू होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और टीचर का फेयरवेल नहीं होता, टीचर तो यही रहेगा तुम्हारी क्लास में, नहीं तो दूसरी क्लास में पढ़ाएगा। फेयरवेल तो तुम्हारा होगा, किसी दिन होगा तो, है ना? और वो फेयरवेल भी अच्छा तभी माना जाएगा, फेयरवेल होने के बाद आपका सिलेक्शन अगर हो तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ये सब जो स्प्रिंग बोर्ड की यादें हैं, ये कड़वी यादें बन के रह जाएंगी। लगेगा इतने पैसे लगाए और पैसे डूब गए, और हमेशा ताने और देंगे घर वाले, नालायक को तुम्हें मौका दिया था उस टाइम, कुछ बने नहीं। तो ये सब फेयरवेल का सिस्टम बंद कर दो। तुम्हें किसी को फेयरवेल देने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारा रेस्पेक्ट और प्यार टीचर के प्रति तभी दिखता है जब तुम मन लगा के पढ़ते हो और अच्छा तुम रिजल्ट लेके आओ। वो हमारे लिए अचीवमेंट है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साफा पहनाने से या कुछ और करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो किसी टीचर का कोई फेयरवेल आगे से नहीं करना है, टीचर का फेयरवेल नहीं होता है। टीचर यही है, सर आज आपकी क्लास में खत्म करके गए, दूसरे किसी क्लास में लेंगे। तो आगे से मैच्योर बनो, फालतू का क्लास में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नाच गाने की क्लासें नहीं चल रही हैं, सीरियस हो जाओ, एग्जाम आने वाले हैं। तो आगे से कभी किसी क्लास में कोई फेयरवेल वगैरह नहीं देना है, ठीक है? किसी को फेयरवेल की जरूरत नहीं है। और पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मेन फोकस पढ़ाई होना चाहिए। टेस्ट वेस्ट रेगुलर दिया करो, और ये सब फालतू की फर्जी चीजों में कुछ नहीं रखा हो। चलिए हम जो कर